यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 13,000 फुट की ऊंचाई पर बन रही सेला टनल है। बॉर्डर रोड्स की ओर से बनाई जा रही इस टनल से चीन से लगी सीमा पर आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह टनल हर मौसम में चालू रहेगी। इसका काम इस साल जुलाई तक पूरा हो जाने का अनुमान है। ठीक इसी तरह नेचुपू टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। करीब 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5,700 फुट की ऊंचाई पर है। इन दोनों सुरंगों के बनने से असम से तवांग जाना आसान हो जाएगा। सेला टनल जो जब बनकर तैयार होगी अगले 4-5 महीनों में, तो संसार की सबसे ऊंची बाईलेन टनल बनेगी, वो 13,000 फुट के ऊपर। उसके साथ नेचुपू टनल है और हम आज तकरीबन 11 टनलों पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। बीआरओ पिछले 60 वर्षों में बीआरओ ने 4 टनल बनाई। जो रेट है कंस्ट्रक्शन का वो पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे आपको मैंने बताया कि 11 टनलों पर हम काम कर रहे हैं। इन ऑल दिस व्हाट हैज बीन, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एलएसी पर बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया गया है। पिछले 5 साल में बॉर्डर क्षेत्र में करीब 6,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इसमें से उत्तरी सीमा पर लगभग 2100 किलोमीटर निर्माण हुआ है। इसके अलावा 7,400 मीटर पुल का निर्माण किया गया है। राज्य में फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। अब जब 12 महीने हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बीते 2 सालों में 55,000 सैनिकों के आवास के लिए इंतजाम किया गया है। पिछले 3 साल में सीमा क्षेत्र में ढांचागत विकास पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। सिकुन ला सुरंग लद्दाख के लिए अंतिम चरण में है। यह लेह को अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा सासेर ला सुरंग से DS DBO सड़क के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी होगी। केवल सुरंग ही नहीं बल्कि उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पुल और सड़क बनाने का काम भी जोर शोर से हो रहा है, ताकि सेना के मूवमेंट तेजी से हो सके। 205 प्रोजेक्ट्स पर हमने देश को समर्पण किया। उसमें से 205 में से 67 केवल अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि 30% जो काम हमने किया पिछले 2 सालों में वो अरुणाचल प्रदेश को डेडिकेट हुआ, और तकरीबन 20% हमारा काम लद्दाख में हुआ। तो 50% इन 2 स्टेट्स में हुआ जो चाइना से जुड़े हुए हैं। इसमें बाकी स्टेट्स जो आती हैं सिक्किम और उत्तराखंड में, उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि चीन से लगी सीमा पर सड़क या पुल बनाना आसान काम नहीं होता। मौसम प्रतिकूल होता है, तापमान माइनस में होता है। बावजूद इसके बॉर्डर रोड के जवान दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि आम लोगों की सुविधा के साथ साथ सेना दुश्मन की चुनौतियों का जवाब दे सके, और जब जरूरत हो सीमा पर तोप टैंक समेत दूसरे साजो सामान पहुंच सके। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच जरूरी है भारत अपनी सैन्य तैयारियों को पूरा रखे। एक बार भारत अपनी असावधानी का खामियाजा भुगत चुका है, लेकिन यह अतीत की बात है। आज की तारीख में चीन को भी एहसास है कि भारतीय सरहदों को भेजना आसान नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।